झारखंड के नेताओं के वादे, जनता के सवाल, प्रत्याशियों के एक दूसरे पर चुनावी हमले पहले चरण के चुनाव के लिए थम चुके हैं। 13 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है और 37,83,055 मतदाता 189 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। सबसे ज्यादा 28 प्रत्याशी भवनाथपुर सीट पर हैं, जबकि चतरा में सबसे कम सिर्फ 9 प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण की 13 सीटें यानी चतरा, गुमला, बिशुनपुर, लोहारदगा, मांडर, लातेहार, पंकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर हैं। इन 13 सीटों में से 10 सीटों पर मौजूदा वक्त में बीजेपी का कब्जा है। वैसे तो साल 2014 में हुए चुनावों में बीजेपी ने इन 13 सीटों में से सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत हासिल की थी, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद झारखंड विकास मोर्चा की टिकट पर डाल्टनगंज सीट से जीते आलोक चौरसिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं चुनाव से पहले लातेहार के झारखंड विकास मोर्चा से विधायक प्रकाश राम, लोहारदगा के कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत और भवनाथपुर के नौजवान संघर्ष मोर्चा के विधायक भानु प्रताप शाही भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। 4 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से 13 में से 10 विधायक अभी बीजेपी के हैं और इस लिहाज से फिर से सरकार बनाने के लिए पहले चरण का चुनाव भी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं बीजेपी की कोशिश रही है कि 3 अन्य सीटें बिशनपुर, पंकी और हुसैनाबाद पर इस बार जीत हासिल की जाए। तो वहीं बात करें 13 सीटों की तो उसमें 4 सीटें एसटी और 3 सीटें एससी के लिए रिजर्व्ड हैं। पहले चरण के मतदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन कितना दम दिखा पाता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा महागठबंधन से अलग होकर चुनावी मैदान में उतरा है, तो वहीं बीजेपी से अलग होकर आजसू अकेले चुनाव लड़ रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों पार्टी अपने दम पर क्या कमाल दिखा पाती हैं। इन सब राजनीतिक पार्टियों के बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM पहली बार राज्य में अपनी किस्मत आजमा रही है। पहले चरण की 13 सीटों में से गढ़वा और विश्रामपुर पर AIMIM ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गढ़वा सीट की बात करें तो साल 2014 से विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सत्येंद्रनाथ तिवारी ने बाजी मारी थी। उन्हें कुल 75,196 वोट पड़े थे और उन्होंने NCP के कमलेश कुमार सिंह को 21,510 मतों से हराया था। और इस बार सत्येंद्रनाथ तिवारी को AIMIM के प्रत्याशी MN खान कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं ये देखना होगा। वैसे यहां करीब 15% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। वहीं विश्रामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये खास सीट है, क्योंकि इस पर बीजेपी के रामचंद्र चंद्रवंशी और कांग्रेस के चंद्रशेखर दुबे आमने सामने आते रहे हैं और इस बार भी दोनों आमने सामने हैं। पिछले 35 सालों से इस सीट पर रामचंद्र चंद्रवंशी और चंद्रशेखर दुबे जीतते आए हैं। यहां से 4 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस के दिग्गज चंद्रशेखर दुबे के नाम है, तो वहीं निर्वर्तमान विधायक और स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी को यहां पर 3 बार जीत मिली है। ऐसे में AIMIM के प्रत्याशी अशरफी चंद्रवंशी भी यहां से मैदान में हैं और यहां पर करीब 13% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियों को कितना नुकसान पहुँचता है। अगर पहले चरण की 13 सीटों में से खास सीटों की बात करें तो लोहारदगा खास है, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश्वर उरांव मैदान में हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के सुखदेव भगत से है, जो इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। वहीं मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी विश्रामपुरा से खड़े हैं। वहीं 9 पूर्व मंत्री बैजनाथ राम लातेहार से, डाल्टनगंज से KN त्रिपाठी, चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे विश्रामपुर से, सुधा चौधरी छतरपुर से, कमलेश सिंह हुसैनाबाद सीट से, सुखदेव भगत लोहारदगा सीट से, तो वहीं राधाकृष्ण किशोर छतरपुर से और भानु प्रताप शाही भवनाथपुर से अपने किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण का चुनाव हर पार्टी के लिए खास होने वाला है। हर पार्टी के प्रत्याशी ने पूरी कोशिश की है वोट मांगने के लिए 30 नवंबर को EVM मशीन में 189 प्रत्याशियों की किस्मत बंद हो जाएगी, लेकिन सबको 23 दिसंबर का इंतजार करना होगा। न्यूज़ डेस्क।